आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री उन्तीस अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में करेंगे लोगों के साथ अपने विचार साझा केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को दी मंजूरी आम लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाएं और स्कूली बच्चे भी आगे आए और विश्व कप क्रिकेट में उलटफेर करते हुए नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से हराया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनतीस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की एक कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माई जी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं ये फोन लाइन सत्ताईस अक्टूबर तक खुली रहेंगी लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं केंद्र ने त्योहारी सीजन से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए सात हजार रूपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी है वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त वर्ष दो हजार के लिए तीस दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दे दी है इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा आदेश में कहा गया है कि केवल वही कैजुअल लेबर इस गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए पात्र होंगे जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष छह दिन के सप्ताह के बाद कम से कम 240 दिन कार्यालय में काम किया हो। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो बस फिर देर क्या है अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपने व्हाट्सएप नंबर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है नौ चार शून्य छः पाँच दो तीन शून्य तीन पाँच इस पर आप भेज दीजिए हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ आप भी मतदान अवश्य करिए आइए अब सुनते हैं बालाघाट से विनय श्रीवास्तव और रीवा के सुकुमार साहू का संदेश सुकुमार साहू दृष्टि बाधित है फिर भी मतदान में पीछे नहीं रहते जितने भी हमारे मतदाता साथी हैं आप सभी लोग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए जो प्रत्याशी उम्मीदवार आपको अच्छा लगे जिनको लगता है कि वोट देना चाहिए तो आप जरूर से जरूर अप, अपना मतदान करें नमस्कार मैं विनय श्रीवास्तव जिला बालाघाट से लोकतंत्र का है यह उत्सव मिलकर हम सब मनाएंगे कोई मतदाता अब ना छूटे मतदान करने हम सब आगे आएंगे भैया भाभी चाचा चाची भूल न जाना वोट देने सबको है जाना धन्यवाद शिवपुरी जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं जिला पंचायत के सीईओ उमराव मरावी ने बताया कि पिछले चुनाव में 75 प्रतिशत से कम मतदान वाले केंद्रों पर इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है इसके तहत सभी गैस एजेंसियों से संपर्क कर गैस सिलेंडर के साथ मतदाता जागरूकता संबंधी पर्चे प्रत्येक घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया इक्कीस अक्टूबर से प्रारंभ होगी नामांकन की अंतिम तिथि तीस अक्टूबर है रायसेन में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है इसी तरह अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर ए न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम या ए न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंदौर जिले के ग्राम कम्पेल में लगभग 300 महिलाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली ग्वालियर जिले में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम वीवीपैट वी का प्रथम रैंडमाइजेशन कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया श्यपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में मतदान की कहानी कवियों की जुबानी विषय पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ नीमच में आज मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की जा रही है मुरैना में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आदर्श मतदान केंद्र विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ रीवा जिले में सिरमौर मऊगंज बरहटा हनुमना में महिला एवं बाल विकास विभाग और नगर पंचायत द्वारा महिला मतदाताओं की जागरूकता रैली निकाली गई छतरपुर जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला मतदाताओं के साथ मतदाता मंगल दिवस मनाया गया बालाघाट में मतदाता जागरूकता के संदेश लेकर एनआरएलएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत करंजिया और मेहंदवानी में अधिकारी कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई गुना जिले में चारों विधानसभा के मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ आगर मालवा जिले में कई गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिला मतदाताओं ने हथेली पर मतदाता जागरूकता की मेहंदी और रंगोली बनाकर मतदान का संदेश दिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए नीदरलैंड ने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका को अड़तीस को 43 ओवर का कर दिया गया नीदरलैंड के 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 42 ओवर और पांच गेंदों में 207 रन पर ही सिमट गई नीदरलैंड के लिए लॉगनबैन बीक ने तीन विकेट नीदरलैंड के लिए स्कॉट एडवर्स सर्वोच्च स्कोरर रहे जो उनहत्तर गेंदों पर अठहत्तर रन बनाकर नाबाद रहे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने चीन में आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल विधाओं में 303 खिलाड़ियों की सूची को मंजूरी दी है एथलीट्स की सूची में एक सौ इक्यानवे पुरुष और 112 महिला एथलीट शामिल है 2018 में एशियाई पैरा खेलों के अंतिम संस्करण में 13 खेल स्पर्धाओं में कुल एक एथलीट्स ने हिस्सा लिया था भारत ने पंद्रह स्वर्ण सहित कुल बहत्तर पदक जीते थे अब कुछ समाचार संक्षेप में खंडवा में निर्वाचन में सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे असामान्य संध्यास्पद और एक लाख से अधिक नकद जमा और निकासी की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रतिदिन उपलब्ध कराएं इंदौर में अभी तक 21 शासकीय स्थानों से 8,232 पब्लिक प्रॉपर्टी पर और दो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई की गई है सागर में डॉ हरि सिंह और विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से दिव्यांगजनों के अधिकार विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया डिंडौरी जिले में खाद बीज के अवैध विक्रय परिवहन और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण दल की की नियुक्ति गई है। श्योपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शासकीय श्री हजारेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बाल विवाह नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे की शपथ ली बैतूल में मुल्ताई पुलिस ने कल एक कार में रखे बैग से आठ लाख रुपए जब्त कर मामला जांच के लिए एफएसटी को सौंप दिया है पन्ना में कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग शाहनगर कार्यालय में पदस्थ एक उपयंत्री को, को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर निलंबित कर दिया है सतना जिले में जिले के ग्यारह आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं कटनी के वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय बहौरीबंद में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के पहले दो हफ्तों में 117 करोड़ रुपए से अधिक का कबाड़ का निपटान किया है डेंगू रोग के बचाव और रोकथाम के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की गई और ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से पांचवी उड़ान में अट्ठारह नेपाली नागरिकों सहित दो यात्री नई दिल्ली पहुंचे हैं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही अनुमति दीजिए नमस्कार